हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली वोक अप। कल रात को ज़्यादा ही पार्टी हो गई है, इसलिए सुबह उठ नहीं पाए, लेट हो गए। सो अभी फ्रेशन अप होके आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ के व्यूज़ ये हैं। तो अगर आपको गांव में रहने का शौक़ है तो आपको गांव वालों की तरह काम भी करना पड़ेगा। तो इस वक्त हम जा रहे हैं मक्की की गुड़ाई करने, तो देखते हैं वहां पे कैसा होता है काम और आपको दिखाते हैं। चलिए। लगेगा इसे ना। अच्छा, बाकी ये फिर बढ़ेगी भी। फिर अभी तो जैसे बिल्कुल है ना, ये अब हल्की मिट्टी हो जाएगी। अच्छा, हल्की हो जाएगी मिट्टी ना। आपको ऐसे ये पूरा खेत करना है? दो दो तीन तीन खेत होते हैं सर। सारे घर वाले पांच से सात जने बहुत फटाफट करेंगे। तीन तीन चार चार खेती करना दिखने में जितना आसान लगता है, जब आप उस काम को करो तो बहुत ही हार्ड वर्क है। आई सैल्यूट टू द फार्मर्स जो इतना हार्ड वर्क करते हैं और ये फसल उगाते हैं। रियली हैट्स ऑफ टू देम। ये है अखरोट का पेड़। दिखा रहा हूँ कैसा होता है रॉ। ये है रॉ अखरोट। इसको छील के आप निकालेंगे। अभी ये इसका छिलक है, तब अखरोट निकलेगा इसमें से। अरे वाह, ये है देवदार का छोटा सा पेड़। जब ये बड़ा होगा तो ये इतना ऊपर जाएगा। अभी एकदम छोटा है। वाह, वो ये है ना अखरोट। अच्छा, पुराना है। भैया ने मुझे मौका दिया है कि एक बार मैं ट्राई करता हूँ कैसा होता है।
शाबाश। भागे तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, देखने बहुत आसान लगता है पर जब काम करो तब पता लगता है कितना मुश्किल काम है। उस पहाड़ के पीछे उत्तराखंड शुरू हो जाता है और मसूरी और चक्राता की रेंजेस वहाँ दिखती हैं उस पहाड़ के पीछे। ये है हिमाचल का एरिया और वो है उत्तराखंड का एरिया। वो जो आपको सामने बिल्डिंग दिखा दे रही है वो है भग्यानी माता का मंदिर और हम हैं केलवी गांव में, वो यहाँ से इतना दूर है मंदिर से, इतनी दूरी पे है केलवी गांव। और ये है पुराना घर जिनके हम यहाँ ठहरे थे, उन्हीं का ये पुराना घर है। आइए देखते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसा है, थोड़ा सा रिस्की मामला है। सबसे जाते ही आपको इतनी सुंदर बालकनी मिलती है, आप यहाँ बैठ के ये नज़ारा का एंजॉय कर सकते हैं फुल ऑन। यहाँ से मंदिर जाते हैं, ये है यहाँ का छोटा सा दरवाजा और ये है इसमें अनाज रहता हमारा। अच्छा, स्टोर अभी फिलहाल इसको स्टोर रूम में अनाज रहता है और पूरा लकड़ी का बना हुआ है ऊपर, लकड़ी के रंग बिरंगी चित्रकारी है अंदर। इसमें मक्की इसमें अंदर। अच्छा, इसके अंदर
मक्की स्टोर की हुई है। देखिए इसको फट्टे हटा के, और ये वाह, ये पूरा स्टोर रूम है कमरे के अंदर, अंडरग्राउंड। अच्छा इसमें और अच्छा मक्की डालते हैं इसमें, इधर इधर चौलाई। और ये दूसरा है अंडरग्राउंड, यहाँ चौलाई होती है। अच्छा ये सब जगह चार दरवाजे हैं अंदर के लिए, एक दो, और सब अलग अलग चीजें रखी जाती हैं, किसी में मक्की, किसी में मंडुआ, किसी में चलाई। इधर जो अलग से ताला इधर बनाया हुआ, जैसे ये उधर। अच्छा इधर जो इस खिड़की में, और यहाँ पे जो भी फसल लगी है उसके अनुसार। अच्छा ये रखा हुआ जो, ये देखिए कैसे कंटेनर के रूप में इसको बनाया हुआ है, लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं, और अंदर पूरी क्या है, जौ, जौ, पूरी जौ है। तो इस तरह से स्टोरेज करते हैं अनाज का गांव में। ये मेरे पीछे है शहतूत का पेड़, और ये इतना बड़ा पेड़ है मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में, वरना बहुत छोटे छोटे पेड़ देखे थे, इतना बड़ा पेड़। और भैया ऊपर चढ़े हैं शहतूत तोड़ने के लिए, और वो तोड़ के लाते हैं, फिर देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। बहुत कम शहतूत खाए होंगे आपने। हाँ। अरे मुझे चाहिए शहतूत। आपको चाहिए, आपके ला रहे अभी। नहीं मुझे दो। अभी तो कच्चे हैं, वेट। ऐसे आपको बंदर बनना पड़ता है। ओके Finally, I got share of my pie. These tasty shahtoot. Okay, guys. Finally, time to say goodbye. Thik to bye bye. Thank you.